जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार बड़ी खबरें जो है वो बनी हुई हैं। कल के दिन आपने देखा डीडीसी महराज मलिक को जो है वो डिटेन किया गया त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन में और जम्मू पुलिस के द्वारा। लेकिन आज मैं बता दूं, महबूबा मुफ्ती पीडीडी जो है से ताल्लुक रखती हैं और इन्हें जो है वो दिल्ली पुलिस ने आज डिटेन किया है। पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, पूरी खबर जो है वो आप देखें, लेकिन अभी की जो है वो सबसे बड़ी खबर है कि आज के दिन जो है वो महबूबा मुफ्ती को जो है वो डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। कल के दिन जो है वो महराज मलिक को किया गया था। आप देख सकते थे कि किस तरह से जो है वो एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है और उस पर जो है वो जो बयानबाजी की थी जो उस पर जो है वो डिटेन किया गया था जम्मू पुलिस के द्वारा महराज मलिक को। लेकिन आज के दिन जो है वो दिल्ली के अंदर जो है वो महबूबा मुफ्ती अपनी पार्टी जो कार्यकर्ता थे उनके साथ जो है वो धरना दे रही थी और धरने के दौरान जो है इन्हें डिटेन किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। और मैं आपको बता दूं, ये भी एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है उसके रिलेटेड जो है वो प्रोटेस्ट आज इन्होंने जो है वो रखा हुआ था विजय चौक न्यू दिल्ली के अंदर। ये जो है ये वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और उस प्रोटेस्ट के दौरान जो है इन्हें डिटेन किया जाता है। लगातार आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो है वो किस तरह के समय बने हुए हैं। इस समय पंजा जो है वो हर जगह चल रहा है, ये पीला पंजा किसी जितने भी लैंड ग्रैबर्स हैं उन्हें इस समय नहीं छोड़ रहा। जितने भी उसमें बड़े बड़े चेहरे हों, बड़े बड़े नेता हों जिन्होंने राज इस जम्मू कश्मीर के ऊपर किया है, उनकी फैमिलीज पे भी जो है वो अटैक ये जो है वो पीला पंजा कर रहा है। जो लैंड ग्रैबर्स हैं उन पे जो है वो पूरा पूरा जो है वो पंजा जो है वो चल रहा है। लेकिन महबूबा मुफ्ती आज न्यू दिल्ली पहुंची और न्यू दिल्ली के अंदर विजय चौक में जो है वो धरना प्रदर्शन किया और वहां पे जो है जम्मू पुलिस ने जो है वो इन्हें डिटेन किया। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, एक बड़ा बयान जो है इन्होंने वहां पे दिया है, वो बयान मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि आखिरकार बयान जो है वो क्या महबूबा मुफ्ती ने दिया, आप खुद सुनेंगे कि क्या जो है वो बयान इनकी तरफ से देखने को मिला। सबसे पहले मगर मैं आपको बता दूं, जब से जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जो है वो एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, तब से ही अलग अलग हमने जो चेहरे नेता या पार्टी जो है उनके देखे कि धरना प्रदर्शन उन्होंने किए, जिस तरह से डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का हमें देखने को मिला, फिर पीडीपी का जो है हमें देखने को मिला और उसके अलावा आईएनसी और एनसी का भी जो है वो हमें इस पे धरना देखने को मिला। इवन कि आपने ये भी खबर सुनी होगी कि एनसी ने जो है वो अंदरूनी तौर से हाईकोर्ट तक जाने की कोशिश की और हाईकोर्ट में पहुंच के जो है वो उन्होंने अपील करने की कोशिश की कि लोगों को जो है वो बचाया जाए, हमारे पास जो रिलीज पेपर्स हैं वो अभी 2000 जो है वो 25-26 तक जो है वो पड़े हुए हैं, आप उन्हें जो है वो इलीगली तौर से जो है वो हमसे नहीं छीन सकते। लेकिन उसे भी जो है नल अवॉइड जो है वो किया गया हाईकोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। लेकिन अब मैडम महबूबा मुफ्ती जी का जो है वो जो है वो सामने आज के दिन जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर जो है वो धरना प्रदर्शन इन्होंने किया, विजय चौक के अंदर ये धरना प्रदर्शन किया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो है वो इन्हें अरेस्ट कर लिया, इन्हें उठा लिया गया है वहां से। लेकिन आपको मैं बताने जा रहा था कि उनका बयान क्या था, सबसे मेन मुद्दा जो है वो उनका बयान है कि बयान उन्होंने आखिरकार क्या जो है वो ऐसा दे दिया। बयान मैं आपको बताऊंगा, महबूबा मुफ्ती का जो है वो बयान था कि जम्मू कश्मीर में जो है वो गुंडा राज है और गुंडा राज की वजह से पूरा हिंदुस्तान जो है वो अफगानिस्तान की तरह जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये महबूबा मुफ्ती का जो है वो बयान है और दिल्ली के अंदर ये जो है ये बयान दे रहे हैं। और इसी पे जो है आज जो इन्होंने एक धरना प्रदर्शन वहां पे किया और धरना प्रदर्शन के दौरान न्यू दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस ने जो है वो उठा दिया। आप अभी देख सकते हैं कि इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो एंटी एक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है, उसमें साफ साफ जो है वो एलजी साहब से भी कहा गया, द्वारा कहा गया कि 5 मरले वालों को, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको छेड़ा नहीं जाएगा, उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं, जो बड़े बड़े जिन्होंने लैंड एक्रोच की हुई है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। और आप खुद देख रहे हैं तस्वीरें लगातार कश्मीर घाटी से भी हम देख रहे हैं, जम्मू डिवीजन से जो है वो लगातार हम देख रहे हैं, अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है वो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं कहाँ कहाँ पे जो है वो पंजा चल रहा है और कहाँ कहाँ पे जो है वो लैंड ग्रैबिंग जो है वो की गई थी, किनके द्वारा, जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं जिन्होंने राज किया है जम्मू कश्मीर के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की चीजें जो है वो हमें देखने को मिलती है। लेकिन आज के दिन, पहले कल का दिन था, कल के दिन महराज मलिक को जो है वो जम्मू के अंदर जो है वो डिटेन किया गया, जम्मू के अंदर जो है जम्मू पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, और आज के दिन जो है वो दिल्ली में बैठी हुई महबूबा मुफ्ती को जो है वो दिल्ली पुलिस ने जो है वो उठा लिया। आप देख सकते हैं तस्वीरें इस समय हमें जो है वो देखने को मिल रही हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं और अपने राय जो है वो कमेंट बॉक्स में जो है वो अपनी रख सकते हैं, क्या ये सही जो है वो हो रहा है, क्या ये ड्राइव चलना सही है। और खास करके जो एलजी गवर्नर की तरफ से जो है वो कहा गया कि
गरीबों को नहीं छेड़ा जाएगा, क्या इसमें कितनी सच्चाई और क्या सच में जो है वो गरीबों को नहीं छेड़ा जा रहा, क्या इसमें सच में जो है बड़े बड़े लैंड ग्रैबर्स जो है उनको, लैंड माफियाज को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। आप भी अपने कमेंट बॉक्स पे जो है वो अपनी राय रखें, और ये भी बताएं कि जिस तरह का बयान जो है वो महबूबा मुफ्ती ने जो है वो दिया है कि जो है जम्मू कश्मीर के अंदर गुंडा राज चल रहा है और हिंदुस्तान कहीं ना कहीं जो है वो अफगानिस्तान की तरह जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, जो कश्मीर है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है आपको, आप भी अपनी जो है वो राय इस पे जरूर रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहें टीएलआर। नमस्कार।